हेलो गाइस, आप सभी को हमारे चैनल बिकम वर्स में स्वागत है। गाइस, आज हम लोग फोटोशॉप 7.0 ट्यूटोरियल के अंतर्गत हिस्ट्री ब्रश टूल के बारे में सीखेंगे। तो बिना समय वेस्ट किए हुए आइए शुरुआत करते हैं। और एक बात गाइस, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा एक सजेशन होगा कि आप अगर फोटोशॉप 7.0 ट्यूटोरियल का पार्ट 7 नहीं देखे हैं तो उसे पहले जाके देख लें, ठीक है? क्योंकि ये जो वीडियो है इसके पहले वाला वीडियो देखिएगा, उसके बाद ही आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा, ठीक है? तो गाइस, सबसे पहले हम एक वर्किंग पेज ले लेते हैं। इसके लिए कंट्रोल प्लस एन बटन प्रेस करेंगे। यहाँ से आप जो भी साइज रखना चाहते हैं अपने वर्किंग पेज का वो रख सकते हैं। यहाँ से देखिए, हम 36x24 इंचेस रखता हूँ और रेजोल्यूशन यहाँ से देखिए 72 रखते हैं और इसको यहाँ से पिक्सल्स पर इंच सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? मॉड इसका CMYK कलर रखेंगे और यहाँ से वाइट पे चेक रहने देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। तो देखिए, यहाँ पे एक वर्किंग पेज बन गया है। इसके बाद इसको हम यहाँ से देखिए मैक्सिमाइज कर ले रहे हैं। हिस्ट्री ब्रश टूल को सिलेक्ट करते हैं। जैसे सिलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे भी ऑप्शन आ रहा है ब्रश का, मॉड का, ओपेसिटी और फ्लो का, ठीक है? तो यहाँ पे सेम चीज़ आपको दिख रहा होगा, सेम ऑप्शन, बस यूज थोड़ा सा डिफरेंट है इसका। तो हिस्ट्री ब्रश टूल को सिलेक्ट करने के बाद देखिए हम यहाँ पे विंडो मेनू में आते हैं और यहाँ से देखिए जो हिस्ट्री है इसको हम यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ से ले आते हैं इस तरह से। अब गाइस, यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, देखिए इसको हम बड़ा कर रहे हैं, यहाँ पे आपको जितना भी दिख रहा होगा पेंसिल पेंसिल करके जो लिखा हुआ है इस तरह से, ये सब क्या है कि आप जितना भी वर्क किए हैं, ठीक है, उसी का हिस्ट्री है। मतलब आप किस तरह से काम करते गए थे उस तरह, देखिए हम इसको यहाँ पे ऑन कर रहे हैं, यहाँ से देखिए हाइड कर रहे हैं, तो देखिए किस तरह से ये यहाँ पे आप गौर कीजिएगा। इसको हम ड्रैग करके इधर ले आते हैं। अब यहाँ देखिए हाइड करते जा रहे हैं तो देखिए यहाँ पे गायब होते जा रहा है इस तरह से। ये क्या है कि हिस्ट्री है, जितना भी हम वर्क किए हैं वो सब यहाँ पे आपको शो अप करेगा इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए जैसे जा रहे हैं तो यहाँ पे बैक होंगे, ये इस तरह से आता चला जाएगा, देखिए, ठीक है? और यहाँ पे एक न्यू है तो न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सबके सब यहाँ से गायब हो जाएगा इस तरह से। आप जैसे कि यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, इसको देखिए यहाँ पे, इसको गाइस हम यहाँ पे देखिए ऑन कर दे रहे हैं अभी, ऑल्ट कंट्रोल जेड प्रेस करते हैं या कंट्रोल जेड, तो देखिए कंट्रोल जेड जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए कोई चेंजेज आपको नहीं दिखा। ऑल्ट कंट्रोल जेड प्रेस करते हैं तो यहाँ पे देखिए किस तरह से ये बैक हो रहा है। देखिए ऑल्ट कंट्रोल जेड प्रेस किए, ये देखिए तीसरा नंबर पे आ गया, नीचे से चौथे नंबर पे आ गया और यहाँ पे देखिए आप जो भी यहाँ पे हम बनाए हैं वो धीरे धीरे यहाँ से गायब होते जा रहा, देखिए इस तरह से, ठीक है? ऑल्ट कंट्रोल जेड जो करते हैं वो बेसिकली हिस्ट्री में ही हम बैक जाते हैं, जो भी हम वर्क करते हैं अपने वर्किंग पेज पे, ठीक है, जो भी एडिट करते हैं, जो भी इफेक्ट उस पर देते हैं या जो भी टाइप करते हैं वो क्या है, उसका हिस्ट्री जो है वो यहाँ पे शो अप करेगा, ठीक है? तो यहाँ से हिस्ट्री मिटाने के लिए हम हिस्ट्री ब्रश टूल का यूज़ करते हैं, ठीक है? यहाँ से देखिए हम इसको ऑन कर दे रहे हैं। अब गाइस यहाँ पे देखिए ऑल्ट कंट्रोल जेड जो हम प्रेस कर रहे थे वो कितना स्टेप बैक जाएगा, इसको चेक करने के लिए आप यहाँ पे एडिट मेनू में आएंगे, प्रेफरेंसेस में जाएंगे और यहाँ से देखिए हम डिस्प्ले एंड कर्सर पे आते हैं, ठीक है? यहाँ से देखिए हम नेक्स्ट पे जाते हैं, ठीक है? यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करते जाएंगे। इसके बाद गाइस यहाँ पे देखिए जनरल में आएंगे, यहाँ पे देखिए जनरल दिख रहा है तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको हिस्ट्री स्टेट्स, ठीक है? ये अभी 20 दिख रहा है, बाय डिफॉल्ट ये 20 है, ठीक है? तो ये क्या होगा कि जैसे ऑल्ट कंट्रोल जेड हम जो प्रेस करते हैं वो 20 स्टेप बैक जाएगा, ठीक है? तो यहाँ से अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे 50 भी रख सकते हैं, ठीक है? 50 रख के यहाँ पे ओके कर देंगे तो ये 50 स्टेप बैक जाएगा, ठीक है? आप जैसे ऑल्ट कंट्रोल जेड प्रेस करते जाएंगे तो मेरा सजेशन यहाँ पे रहेगा कि कम से कम ही रखें, यहाँ पे देखिए 50 ना रख के 30 रखें, ठीक है? तो ये क्या होगा कि ज़्यादा अगर रखते हैं तो आपके जो रैम है वो ज़्यादा यूज होगा, ठीक है? मेरा सजेशन रहेगा 30-40 के आसपास रखें या 50 ज़्यादा ज़्यादा आप रख सकते हैं, ठीक है? हम यहाँ पे 30 रखते हैं, यहाँ से ओके कर देंगे। तो यहाँ से आप कितना स्टेप बैक जाना चाहते हैं वो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद गाइस देखिए यहाँ पे हिस्ट्री ब्रश टूल को हम सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से देखिए कोई भी ब्रश को यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? नॉर्मल ब्रश को ही सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे और इसका साइज बढ़ाने के लिए बस इससे पहले जो हम ब्रश टूल में बताए हैं सेम यूज यहाँ पे भी है। अब यहाँ देखिए हम इस तरह से इरेज करेंगे, ठीक है? तो ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा ये इरेज हो रहा है, ठीक है? यहाँ से आप पूरी तरह से गैप कर सकते हैं, ऑल्ट कंट्रोल जेड प्रेस करते हैं, ठीक है? तो ये बैक आ जाएगा। तो यहाँ से आप इस तरह से हटा सकते हैं, जो भी आप वर्क करेंगे बस इस तरह से करते जाएंगे तो
ये हट जाएगा। अब गाइस देखिए इसको हम ड्रैग करके इधर लाते हैं और यहाँ से देखिए हम न्यू लेयर क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ से देखिए अलग अलग न्यू लेयर बना लिए, लेयर वन भी बना लिए हैं, लेयर टू, लेयर थ्री। और लेयर थ्री पे रख के देखिए यहाँ पे इस तरह से ब्रश कर लेते हैं, पहले ब्रश को सिलेक्ट करके इसके बाद लेयर टू पे भी कर लेते हैं काम इस तरह से, लेयर वन पे भी कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। इसके बाद गाइस हम देखिए लेयर थ्री पे ही रहते हैं, ठीक है, या फिर किसी भी लेयर पे रहते हैं। और यहाँ पे देखिए हम हिस्ट्री ब्रश ब्रश टूल को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से इरेज करेंगे। तो देखिए हम चाहे किसी भी लेयर पे यहाँ पे रहें, लेकिन ये इरेज जो कर रहा है वो सब के सब को कर रहा है, ठीक है। तो क्या करता है एक्चुअली, ये जितना भी हिस्ट्री है उस सबको ये डिलीट करता है। तो यहाँ से देखिए हम इसको डिलीट कर दे रहे हैं। अब गाइस देखिए यहाँ पे हिस्ट्री ब्रश टूल का जो डायलॉग बॉक्स है, तो सबसे पहला जो ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे हिस्ट्री है, उसके बाद एक्शन। एक्शन के बारे में हम आने वाले अगले ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे, अभी हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो अब गाइस देखिए यहाँ पे हिस्ट्री में हम नीचे सबसे ऊपर आते हैं, तो यहाँ पे देखिए न्यू है, न्यू पे क्लिक करते हैं तो क्या होगा, ये सब के सब इस तरह से गायब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए हम ऑन कर दे रहे हैं इस तरह से। अब गाइस देखिए नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए तीन ऑप्शन है, यहाँ पे जो राइट साइड में सबसे लास्ट में जो ऑप्शन है वो डिलीट करेंट स्टेट। अब जिस स्टेट पे हमें उस पर अगर रहकर यहाँ पे डिलीट पे क्लिक कर देंगे तो ये देखिए यहाँ पे पूछेगा डिलीट स्टेट ब्रश टूल, यस कर देंगे तो ये देखिए डिलीट हो जाएगा इस तरह से। देखिए यहाँ पे डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से डिलीट करते चले जाएंगे, ठीक है, जिस स्टेट्स पे रहेंगे उसको डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद क्या देखिए यहाँ पे बीच में जो ऑप्शन है वो है क्रिएट न्यू स्नैपशॉट। इससे क्या होगा कि इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो जितना भी यहाँ पे वर्क है, आप यहाँ पे जो न्यू देख रहे हैं इसके नीचे एक स्नैपशॉट आ जाएगा। यहाँ पे देखिए स्नैपशॉट आ गया, इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो देखिए सब हाइड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से देखिए सब हाइड हो गया और ये शो अप कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे स्नैपशॉट पे आके अगर हम हिस्ट्री ब्रश टूल को सिलेक्ट करके यहाँ पे इस तरह से चलाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे देखिए हम छोड़ देते हैं इस तरह से, तो देखिए यहाँ पे टोटल के टोटल यहाँ पे गायब हो गया है, ठीक है। तो यहाँ से आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। इसके बाद गाइस देखिए यहाँ पे एक और ऑप्शन है क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम करंट स्टेट। इस पर अगर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, एक न्यू डॉक्यूमेंट यहाँ पे डुप्लीकेट बन जाएगा इस तरह से, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहला मेरा डॉक्यूमेंट जो है ये है और अभी जो बना है वो ये है, और इसका नाम भी देखिए यहाँ पे हिस्ट्री ब्रश टूल, हिस्ट्री ब्रश यहाँ पे लिखा रहा है। बट इसमें क्या था, मेरा पहला जो वर्किंग पेज था वो अनटाइटल वन लिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद गाइस हमारा जो अगला ऑप्शन है आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल, ठीक है। इसको समझने के लिए देखिए हम इसको कट कर दे रहे हैं पहले, और एक यहाँ से कंट्रोल प्लस ओ बटन प्रेस करके एक न्यू इमेज ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला इमेज हम ओपन कर रहे हैं, इसको देखिए मैक्सिमाइज कर लिए, कंट्रोल जीरो से इसको स्क्रीन के अनुसार फिट कर लेते हैं। अब गाइस हम देखिए आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल को सिलेक्ट करते हैं। आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल को जैसे सिलेक्ट किए तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बार में कुछ ऑप्शन इस तरह से आया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए पहला है ब्रश, ब्रश के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ठीक है, आप वन बाय वन करके चेक कर सकते हैं। इसके बाद देखिए मॉड है, ओपेसिटी है, स्टाइल है, स्टाइल में देखिए अलग अलग स्टाइल मिल जाएगा आपको, एरिया है और टॉलरेंस है, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए मॉड नॉर्मल रखकर और यहाँ से देखिए हम कोई भी एक सेलेक्ट करते हैं यहाँ से ब्रश, ठीक है, जो ब्लरिश टाइप को उसी को सिलेक्ट करते हैं और ब्रश का साइज थोड़ा सा बड़ा कर ले रहे हैं इस तरह से। इसके बाद देखिए हम यहाँ पे इस तरह से ब्रश करते हैं तो देखिए किस तरह का इफेक्ट यहाँ पे आ रहा है, ये देखिए। ये भी देखिए आपको पता नहीं चल रहा होगा क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए ओपेसिटी अभी 37% है। इसको हम अब यहाँ पे हम देखिए क्लिक कर रहे हैं तो देखिए ये किस तरह से इफेक्ट आ रहा है। अब गाइस यहाँ देखिए ऑल्ट कंट्रोल जेड प्रेस करते हैं इस तरह से, और यहाँ से देखिए ब्रश का जो शेप है वो हम कुछ डिफरेंट रख लेते हैं। यहाँ से देखिए लीफ वाला जो है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं और ब्रश का साइज थोड़ा सा बड़ा कर ले रहे हैं। इसके बाद देखिए हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो देखिए ये किस तरह का इफेक्ट दे रहा है यहाँ पे। अब गाइस यहाँ पे गौर कीजिएगा कि हम जहाँ पे जैसे कि यहाँ पे अगर ब्रश कर रहे थे तो देखिए यहाँ पे वाइट कलर का यहाँ पे बन रहा है, आपको दिख नहीं रहा होगा ये, ठीक है। बट जैसे ही हम यहाँ पे इसके कॉर्नर पे लाते हैं तो देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे डिफरेंट कलर का आ रहा है। ये क्या हो रहा है कि इसके बैकग्राउंड में जो कलर है उसी को कॉपी करके, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए ये वाला कलर है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लेफ्ट क्लिक करते हैं देखिए क्या कर रहा है, इसके बैकग्राउंड में जो कलर है उसको यहाँ पे कॉपी करके इफेक्ट बना रहा है।
इसी तरह देखिए और भी है यहाँ पे, जो भी ब्रशेस हैं आप वन बाय वन करके चेक कर सकते हैं। देखिए ये वाला है, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से देखिए ब्रश का साइज थोड़ा सा बड़ा कर ले रहे हैं और यहाँ पे देखिए इस तरह से चलाते हैं, ठीक है। देखिए किस तरह का इफेक्ट आ रहा है। एक और इमेज हम देखिए यहाँ पे ओपन कर रहे हैं, ये वाला इमेज ओपन कर रहे हैं, ठीक है। अब गाइस देखिए हम इस पर चलाते हैं इस तरह से, तो देखिए यहाँ पे किस तरह का इफेक्ट बन रहा है। इसी तरह देखिए और भी ब्रशेस हैं, आप चेक कर सकते हैं वन बाय वन करके। देखिए ये वाला जो हार्ड ब्रश है इसको हम सेलेक्ट करके और यहाँ पे इस तरह से चलाते हैं, तो देखिए किस तरह का यहाँ पे इफेक्ट बन रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम आते हैं मॉड पे, मॉड आप चेंज कर सकते हैं, डार्क लाइटन करके देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए लाइटन कर रहे हैं तो देखिए किस तरह का आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑल्ट कंट्रोल पहले जेड प्रेस कर लेते हैं और यहाँ पे देखिए चलाते हैं तो देखिए डार्कन में किस तरह से आ रहा है ये, ठीक है, ट्रांसपेरेंट टाइप का आ रहा है, सॉरी ये लाइटन था, ठीक है। यहाँ पे देखिए डार्कन को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, अब इसके बाद कर रहे हैं तो देखिए किस तरह का आ रहा है, ठीक है। ऑल्ट कंट्रोल जेड प्रेस करते हैं, इसके बाद देखिए ओपेसिटी है, ओपेसिटी को कम बेस करके देख सकते हैं। इसके बाद गाइस देखिए यहाँ पे स्टाइल है, लूज कर्ल लॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पे देखिए टाइट शॉर्ट रखते हैं, तो यहाँ पे अगर हम इस तरह से करते हैं देखिए किस तरह का इफेक्ट बन रहा है यहाँ पे। और इसको देखिए हम नॉर्मल कर दे रहे हैं, इसके बाद यहाँ पे बना रहे हैं तो देखिए किस तरह से इफेक्ट आ रहा है ये। इसका यूज़ आप बैकग्राउंड बनाने के लिए कर सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा कुछ इसका यूज़ है नहीं। इस तरह का इफेक्ट बन गया यहाँ पे क्रेजी टाइप का। ऑल्ट कंट्रोल जेड प्रेस करते हैं, इसी तरह देखिए यहाँ पे लूज मीडियम है, इस पर क्लिक करके देख लेते हैं यहाँ पे किस तरह का इफेक्ट आ रहा है। देखिए किस तरह का आ रहा है यहाँ पे। तो गाइज यहाँ पे आप वन बाय वन करके चेक कर सकते हैं। इसके बाद एरिया है, देखिए अभी 50 PX है पिक्सल्स, इसको हम यहाँ पे देखिए 10 करके देख लेते हैं। 10 पे अगर रखते हैं इसके बाद यहाँ पे कर रहे हैं तो देखिए किस तरह का इफेक्ट आ रहा है। और इसको हम देखिए यहाँ पे 100 पिक्सल्स कर दे रहे हैं और यहाँ पे बना रहे हैं तो देखिए किस तरह का इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। ज़्यादा कुछ चेंजेस तो नहीं दिख रहा है मेरे को। इसके बाद टॉलरेंस है, टॉलरेंस को घटा बढ़ा के देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए देखिए टॉलरेंस को बढ़ा दिए, इसके बाद देखिए यहाँ पे हम काम कर रहे हैं बट ये आपको कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ वर्क हो रहा है, यहाँ पे हिस्ट्री में आपको दिख रहा होगा, जैसे हम क्लिक कर रहे हैं देखिए हिस्ट्री बढ़ रहा है यहाँ पे, ठीक है, बट यहाँ पे शॉप नहीं कर रहा है कुछ। तो यहाँ पे ऑल्ट कंट्रोल जेड प्रेस करते हैं और टॉलरेंस को यहाँ पे देखिए कम करके देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये देखिए अब ये इफेक्ट बन रहा है, ठीक है। तो टॉलरेंस को यहाँ पे मेरा सजेशन रहेगा कि बाय डिफॉल्ट जो है उसको 0% ही रखेंगे। तो गाइस यहाँ पे देखिए हिस्ट्री ब्रश टूल समझ गए, अगर इसमें कुछ बचा होगा बताने के लिए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, उसको हम अगली वीडियो में कवर कर देंगे। तो गाइस आशा करता हूँ कि आप लोग को ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा, मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।